खबर कोटा से है, जहां पर सर्व समाज विवाह सम्मेलन समिति महासंघ के सदस्यों ने महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्री पर धरना दिया। साथ ही लेखाधिकारी को विभाग से हटाने की मांग की। महासंघ समिति के सदस्यों का आरोप है कि राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान की सैकड़ों फाइलें पड़ी हुई हैं। विभाग का सहायक लेखाधिकारी सुमित श्रीवास्तव साल 2016 से 2019 तक की लंबित फाइलें पास करवाने के लिए पैसे मांगता है। सरकार की ओर से विवाह सम्मेलन में विवाह संपन्न होने पर कन्या को 15,000 और समितियों को 3,000 का अनुदान देती है, लेकिन 3-4 सालों से करीब 40 करोड़ का अनुदान अटका पड़ा है। हमारे सर्व समाज सामुदायिक सम्मेलन की समितियों महासंघ का धरना है। हमारी मांग है, हम लोग सामुदायिक सम्मेलन करते हैं, निःशुल्क में सम्मेलन करते हैं, गवर्नमेंट में अनुदान देती है। अनुदान का नाम है 2016 से 2017 18 19 का अभी तक कोटा के अंदर एक पैसा नहीं बेटा, चाहे देहात हो शहर हो। हमारी फाइलें गाँव में है, हमारी फाइलें शहर में भी है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी फाइलें इकट्ठी होकर के कोटा कलेक्ट्री में आए, शिविर लगे और यहाँ पे फाइलें पास हो। अगर शाम तक ये हमारी मांग कलेक्टर साहब ने नहीं मानी तो शाम को हमारे भूख हड़ताल होगी। इसीलिए मैं आज ये धरना